नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। जी हां, दरभंगा में धन कुबेर निकले हैं पान मसाला कारोबारी, जहां राजनिवास गुटका के डिस्ट्रीब्यूटर के घर और डेरा पर आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी कल से चल रही है। जी हां, आयकर विभाग की टीम शहर के दो बड़े व्यवसायियों के घरों पर बुधवार से लगातार छापेमारी कर रही है। बुधवार को पूरी रात चली छापेमारी के बाद गुरुवार को भी दिन भर टीम दोनों व्यापारियों के ठिकानों पर डटी रही है। टीम में शामिल अधिकारी देर शाम तक दोनों व्यापारियों के घरों पर मौजूद सदस्यों से कई प्रश्न भी पूछे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान बुधवार की रात पान मसाला कारोबारी अनिल अग्रवाल के घर पर छापेमारी में 1 करोड़ से अधिक का कैश मिला है, जबकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े रियल एस्टेट ट्राई कलर कंपनी लिमिटेड के मालिक चंदन झा के यहाँ से कई महत्वपूर्ण कागजात मिला है। छानबीन के लिए टीम ने सभी कागजातों को जब्त कर लिया। हालांकि कैश बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि न हो पाई है। वहीं बताया जाता है कि रियल एस्टेट के चंदन झा के आवास और उनके अन्य ठिकानों पर टीम अधिकारी देर शाम तक छापेमारी में लगे रहे हैं। उनके यहाँ छापेमारी में कितना कैश मिला है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। सूत्र बताते हैं कि जब्त कागजात के खंगालने के बाद कई करोड़ की अवैध राशि का पर्दाफाश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं छापेमारी को लेकर दोनों व्यापारियों के नाकादों के मंसार और कगवा गुमती मोहल्ले में गहमागहमी देखी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर टीम गुरुवार की रात यानी आज भी रह सकती है वहाँ। वहीं बता दें कि चंदन झा एवं ग्रुप ने हैदराबाद में रियल एस्टेट कंपनी खोली थी। इसके बाद इसने अपना व्यवसाय पटना, बेंगलोर, हैदराबाद आदि जगहों पर फैलाई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार चंदन झा की कंपनी ने यहां 3 जगह ठिकाने हैं। यहां ठिकाने दिल्ली मोड़, बेला इंस्टीट्यूट एरिया, कगवा गुमती बताया जाता है। इस लिमिटेड का मुख्य काम यह है कि कम कीमत पर जमीन खरीद कर लेता है, प्लॉट बनाकर ग्राहक को बेचता है। वहीं रियल एस्टेट के मालिक ने मब्बी स्थित कई एकड़ जमीन खरीद कर प्लॉटिंग कर लोगों को बीच जमीन बेच चुका है। वर्तमान में इस कंपनी की ओर से हवाई अड्डा स्थित जमीन खरीदने की प्रक्रिया चल ही रही थी। इसी बीच आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। बताया जाता है कि रियल एस्टेट के मालिक चंदन झा के एक रिश्तेदार भी इस धंधे में शामिल है, उनकी भी भूमिका की जाँच चल रही है।